हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अच्युत संधि और खष्टुत संधि के बारे में पढ़े और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जस्त्व संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, जस्त्व संधि के दो भेद होते हैं। नंबर एक पदांत जसत्व संधि, नंबर दो अपदांत जसत्व संधि। तो पदांत जसत्व संधि का सूत्र होता है, पदांत जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसो अन्ते, झलाम जसो अन्ते। इसके अंतर्गत पदांत जसत्व संधि के अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा, वर्ग का पहला दूसरा और चौथा वर्ण, उसके तुरंत बाद तीसरा या चौथा वर्ण या फिर कोई स्वर आए या फिर या रा ला वा आए, या रा लावा आए, तो दोनों मिलकर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। पदांत जसत्व संधि के अंतर्गत जहां पर वर्ग का पहला दूसरा चौथा वर्ण आए प्लस उसके तुरंत बाद तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर कोई स्वर आए या फिर या र लावा में से कोई वर्ण आए तो वहां पर तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए पहला है जगत धन ईशा बराबर जग दीशा, जगत धनीशा बराबर जगदीशा। नंबर दो है दिक धनपाला बराबर दिग पाला। नंबर तीन है सत धन कारह बराबर सद कारह। पदांत जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसो अन्ते। यहाँ पर वर्ग का पहला दूसरा चौथा वर्ण, तत्पश्चात तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर कोई स्वर आए या फिर कोई या फिर या र ल व आए तो मिलकर के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसका पहला उदाहरण है जगत धन ईशा बराबर जगदीशा, दिक धन पाला बराबर दिकपाला, सत धन कारह बराबर सत्कारह, सुप धन अंतह बराबर सुबंतह, सुप धन अंतह बराबर सुबंतह। आप लोग इसको एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट आगे चल रहे हैं अपदांत जसत्व में। अपदांत जसत्व में नंबर दो है अपदांत जसत्व संधि।
इसका सूत्र है झलाम जस झसी। आपदांत जसत्व संधि, जिसका सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। इसके अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। इसके अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस तीसरा और चौथा वर्ण, या फिर या र ला वा। इसके अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण प्लस य र ल व आए तो दोनों मिलकर के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें इसकी पहचान ये है कि इसमें ज्यादातर धातु रूप से शब्दों की शुरुआत होती है। इसकी पहचान ये है आपदांत जसत्व संधि की, कि ज्यादातर शुरुआत इसकी धातु रूप से होती है। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए लाभ धन धूम बराबर लब्धुम, लब धन धूम बराबर लब्धुम। नेक्स्ट है, दूसरा है सिद्धंधि बराबर सिद्धि, क्रुद्धंधा बराबर क्रुद्ध, सिद्ध सिद्धन सिद्ध धन धी बराबर सॉरी सिद्ध धन धी बराबर सिद्ध धन धी बराबर सिद्धि, सिद्धन धी बराबर सिद्धि। झलाम जस अपदान जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जस झस। इसमें पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस तीसरा और चौथा वर्ण आए, या फिर या र ला व आए तो मिलकर के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसका पहला उदाहरण है लब्धन धुम बराबर लब्धुम, सिद्धन धी बराबर सिद्धि, क्रुद्धन धा बराबर क्रुद्ध, क्रुद्ध क्रुद्ध धन धा बराबर क्रुद्धा, क्रुद्ध धन धा बराबर क्रुद्धा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हमारा आपदांत जसत्व संधि है। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चर्तु संधि।
नेक्स्ट है हमारा चार्तु संधि, चार्तु संधि, चार्तु संधि जिसका सूत्र है खरी चा, खरी चा। नेक्स्ट है हमारा जस चार्तु संधि जिसका सूत्र है खरी चा, इसके अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस पहला, दूसरा प्लस स, ख, स, स, ख, स आए। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए प्लस पहला, दूसरा या फिर स, ख, स आए तो मिलकर के पहला वर्ण हो जाएगा। जिसका उदाहरण है, जिसका उदाहरण है सत धन कारह सत धन कारह बराबर कारह, इसके अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए प्लस पहला, दूसरा या फिर स, स, स आए तो वहां पर वर्ग का पहला, यहाँ पर पहला होगा सत्कारस, और सद धन कारा बराबर सत्कारः, नंबर दो दिग धन पालः, दिग धन पालः बराबर दिक पालः, दिक पालः, सत धन कारः बराबर सत्कारः, दिग धन पालः बराबर दिक पालः। उत नेक्स्ट है उद धन पन्नः, उद धन पन्नः बराबर उत पन्नः, उत्पन्नः। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पांच है हमारा नंबर पांच है हमारा लत् संधि, लत् संधि, लत् संधि जिसका सूत्र है तोरली, इसका सूत्र है तोरली। नंबर पांच है लत् संधि जिसका सूत्र है तोरली, इसमें त प्लस ल, ता प्लस ला मिलकर के ला बन जाएगा। इसके अंतर्गत ता प्लस ला मिलकर के ला बन जाएगा। जैसे उदाहरण है इसका, उदाहरण है तत् धन लया, तत् धन लया बराबर तल्लयः, तत् धन लयः बराबर तल्लयः।
उत धन लेखा, उत धन लेखा बराबर उल्लेखा। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, लत तो संधि का सूत्र होता है तोड़, इसमें ता प्लस ला मिलकर के ला बन जाता है। इसका पहला उदाहरण है तत धन लया बराबर तल्लया, उत धन लेखा बराबर उल्लेखा, सत धन लेखा बराबर सत धन लेखा बराबर लेखा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ध्यान से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि नेक्स्ट है हमारा अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र है मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः। यहां पर म, यहां पर म प्लस कोई व्यंजन, कोई व्यंजन, कोई व्यंजन आए, या फिर मा प्लस कोई कोई स्वर आए, तो मा प्लस कोई व्यंजन आए या फिर मा प्लस कोई स्वर आए, तो दोनों का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार। यहाँ पर माँ के बाद अगर कोई व्यंजन आए या फिर माँ के बाद कोई स्वर आए, तो उसका अनुस्वार हो जाएगा। जैसे हरिम बंदे, हरिम प्लस वंदे बराबर हरिम बंदे, शिवम शिवम प्लस पूजयते, शिवम प्लस पूजयते बराबर शिवम पूजयते, पूजयते शिवम पूजयते। हरिम प्लस बंदे बराबर हरिम बंदे, शिवम प्लस पूजयते बराबर, सॉरी यहां पर पूजयति रहेगा, शिवम प्लस पूजयत बराबर शिवम पूजयति। हरिम प्लस बंदे बराबर हरिम बंदे, शिवम प्लस पूजयत बराबर शिवम पूजयति। त्वम प्लस एव बराबर त्वमेव, किम प्लस इच्छसि बराबर किम इच्छसि। नेक्स्ट है त्वम प्लस एव बराबर त्वमेव, त्वमेव।
नेक्स्ट है किम प्लस इच्छा सी, किम प्लस इच्छा सी बराबर किम इच्छा सी, किम इच्छा सी। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, हरिम प्लस बंदे बराबर हरिम बंदे, शिवम प्लस पूजयत बराबर शिवम पूजयत, त्वम प्लस एव बराबर त्वमेव, किम प्लस इच्छस बराबर किम इच्छसि। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।